एंड अगर आप लोग शिंजान में ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग को यहाँ पे मिलिट्री बसेस एंड पुलिस देखने नहीं मिले, क्योंकि यार ये शिंजान जो प्रोविंस है ये सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड जोन है। एक चीज जो मैं यहाँ पे यार शिंजान में देख रहा हूँ, मुझे मॉस्क तो काफी देखने को मिल रहा है यहाँ पे फिलहाल, एक मॉस्क देख सकते हो आप लोग, बट यार मॉस्क के अंदर मैं कहीं पे जा नहीं पा रहा एंड ना ही मैं लोगों को देख रहा हूँ कि वो मॉस्क के अंदर जा रहे हैं। हिंदुस्तान यस हिंदुस्तान। यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा कोई रिलीजियस एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे, भले ही अगर कोई मुस्लिम प्रे भी करता है तो यहाँ पे अगेन आप लोगों को अजान की आवाज सुनने को नहीं मिलेगी, जो कि मैं पता नहीं बंद लग रही है मेरे को ये मॉस्क, अभी तो कोई आई थिंक खुला है नहीं, अंदर एक चाइनीज झंडा देखने को मिल रहा है। गाइस आप लोग का मेरे अगले वीडियो में, कैसे हो सभी लोग, मेरा नाम है विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वेंडरिंग मेनिया। भाई फिलहाल हम लोग हैं शिनिंग मैन, यहाँ पे हम लोग आए थे ट्रेन लेकर अगेन लासा से शिनिंग एंड यहाँ से जो हमारी भाई मेरी जो अगली जर्नी है वो शुरू होने वाली है, यहाँ से जो नवदीप भाई है वो भाई अपने अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, मैं अपने डायरेक्शन में चले जाऊँगा। तो मेरी आज ट्रेन है गाइस शिनिंग से उरुम की या फिर उरुम ची, जिस कैसे प्रोनाउंस करते हैं पता नहीं, जो कि पार्ट है शिनजियान का। तो भाई जैसे मैंने बताया था मैंने इनिशियल वीडियोज़ में कि यार इस बार हम जितने भी ऑटोनोमस रीजन है चाइना के वो कवर करेंगे जो मैंने लास्ट टाइम नहीं करे थे, तो तिब्बत तो मैंने कर लिया एंड आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है एंड वही चीज़ मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग शिनजियान वाले सीरीज में भी दिखाएं। बहुत ही फैसिनेटिंग पार्ट है वो चाइना का, बहुत ही ऑफबीट पार्ट है चाइना का, जो कि बहुत सारे टूरिस्ट जो आते हैं चाइना में वो यूजली मतलब अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि वहाँ का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है काफ़ी डिफरेंट है रेस्ट ऑफ चाइना से अगर कंपेयर करें। एंड शिनजियान भले ही ऑटोनोमस रीजन है बट वहाँ पे एज सच कोई परमिट की इशू नहीं है, तो मैं पर्सनली ओपनली कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता हूँ एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लेसेस पर ट्रैवल करने वाले हम लोग। भाई गाइस ये है फिलहाल माहौल शिनिंग का। शिनिंग जो है, जो मैं पहली बार आ रहा हूँ शिनिंग में, बट ये अगेन पड़ता है किनहाई प्रोविंस में एंड यहाँ पे भी अगेन काफ़ी अलग अलग किस्म के कल्चर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम देखने को मिल रहे हैं, मुझे काफ़ी सारे तिब्बतन लोग भी देखने को मिल रहे हैं एंड अगेन हान चाइनीज लोग भी देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत ही मिक्स किस्म का कल्चर है यहाँ पे भी। ये तो हुआ अभी हम लोग भाई डीडी ऐप करके टैक्सी लेकर रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, पूरा भाई टेस्ला वाली वाइब है भाई, यहाँ पे इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। यार वैसे तो देखा जाए तो यार शहर तो एकदम सेंट्रल चाइना की तरफ आता है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे शहर में एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे जो आई थिंक चोंगचिंग जो शहर था वो उसकी याद आ रही है, क्योंकि वो भी माउंटेन में शहर है एंड जितने भी मतलब आप लोगों को माउंटेन्स वगैरह देखने को मिल जाती है, बड़ी बड़ी इमारतें भी देखने को मिल जाती है, तो वैसे कुछ सिमिलर सा वाइब है बट यहाँ पे जो माहौल है काफ़ी डिफरेंट है। चोंगचिंग में मैक्सिमम जितने भी लोग हैं सारे हान चाइनीज लोग देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको मुस्लिम भी देखने को मिल रहे हैं, तिब्बतन भी देखने को मिल रहे हैं और हान चाइनीज तो मिलेंगे आपको। भाई ये देख लो भाई यहाँ पे शिनिंग का भाई रेलवे स्टेशन का भाई बाहर का माहौल एंड ये भाई आप देख सकते हो यार हम कोई बड़े शहर में नहीं है, हम शंघाई गुआंगझू में नहीं है, हम भाई शायद सेंट्रल चाइना के कोई छोटे शहर में हैं। वहाँ का रेलवे स्टेशन देख लो, यही चीज़ देखें, इतनी इतनी ज़्यादा मैं हैरानी होती है ना यार, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है चाइना ने, जो मैं लास्ट वाले सीरीज में बताया था मैंने। और ये देख लो यार ये भाई ये जो है वो दिखाती है यार कि चाइना ने कितना कुछ अचीव करा है लास्ट के 20-25 साल में। तो भाई हम लोग का सिक्योरिटी हुआ एंड सिक्योरिटी फिनिश करने के बाद अभी ये रेलवे स्टेशन है उसका एंट्रेंस है ये एंड यहाँ पे फिलहाल आप लोग ट्रेन देख सकते हो। भाई हम लोग की ट्रेन है 15:05 की K1351। हाँ जी एंड थोड़ा सा आगे जाओगे तो आप लोगों को जो प्लेटफॉर्म नंबर है वो भी देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो ये ट्रेन Z21 जो ट्रेन हम लोग लेके गए थे बीजिंग से लासा, वो ट्रेन यहाँ पे भाई आ रही है अभी शिनिंग में। बट एनीवेज हमारा भाई A8 को जाना है, A8 पे जाना है, बट बाकी का अगेन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रेलवे स्टेशन भाई ये वेटिंग एरिया होता है, क्योंकि अगेन आप लोग देख सकते हो सारे लोग वेट कर रहे हैं, जो कि मैंने इसके पहले भी काफ़ी बार आप लोग को दिखाया है। एंड ये भाई कैबिन है जो कि मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है, सरप्राइजिंगली पूरी खाली है, क्योंकि यार ट्रेन जो यहाँ शुरू हो रही है धीरे धीरे जो आई थिंक जो पैसेंजर्स वो आएंगे। एंड जैसे भाई हम लोग ने शुरू किया जर्नी, आप लोग भाई बाहर का माहौल देख सकते हो, छोटे छोटे घर जो डेवलपमेंट है वो ख़त्म हो चुकी है। जैसे हम लोग और वेस्ट की तरफ जाएंगे जो माहौल है वो भी आपको और रियल देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी अलग है जो शिनजियान प्रोविंस है रेस्ट ऑफ चाइना से। बट एनी वेस्ट तो झलक है आप लोग को थोड़ी बहुत जैसे देखने को मिल रही है, बट अभी हम लोग स्टिल अभी जो सेंट्रल चाइना है वहीं पर ही है, सेंट्रल से हम लोग अभी वेस्ट की तरफ जो ट्रेन है वो हमारी जा रही है। उरुम की जो कैपिटल है शिनजियान प्रोविंस, वहाँ पे फिलहाल हम लोग आए हैं और टैक्सी लेके, बट ट्रेन स्टेशन से अभी मैं भाई मेरे होटल जा रहा हूँ,
और पूरे चाइना में मेरे इसके पहले मैंने एक महीना ट्रैवल करा हुआ है, अभी भी कुछ अराउंड बोल सकते हो 15 दिन ट्रैवल हो चुका है मेरे चाइना में। कभी किसी ने चाइना में मेरे को शाहरुख खान का नाम नहीं लिया, जैसे हम लोग यहाँ पे रूम किया शिनजियान में, हमारे ड्राइवर साहब कहते कहाँ से हो, मैंने बोला इंडिया से, तो इंडिया से कहते ही कहते हैं कि शाहरुख खान, इंडिया का नाम लेते हैं शाहरुख खान का नाम ले लिया। ये बोल शाहरुख खान देख लो भाई चाइना में, भाई कहीं पे मैंने नहीं सुना ये वर्ड, बस शिनजियान में आके सुनने को मिल रहा है। एंड ये भाई हमारा है फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ शिनजियान प्रोविंस, चाइना का सबसे बड़ा प्रोविंस है गाइस ये। एंड फिलहाल हम लोग हैं उरुमची में, एंड इसको भाई उरुमची बोलते हैं चाइनीज में, अगर इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे तो शायद इसको उरुमकी भी बोल सकते हो आप लोग। एंड ये भाई फिलहाल हमारा भाई होटल का माहौल, ये शायद आई थिंक 4th फ्लोर में हमारा होटल है। एंड ये भाई हमारा है जो उरुमकी शहर है, शहर का भाई फर्स्ट इंप्रेशन, सही बता रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है शिनजियान प्रोविंस में। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ट्रेन स्टेशन के बाद, मैं जैसे कि हर चाइनीज शहर में जाके मैं सरप्राइज होता हूँ, मैं यहाँ पे भी आके सरप्राइज हो रहा हूँ। एंड यहाँ पे भाई एक मॉस्क भी देखने को मिल रहा है, पता नहीं मॉस्क की नहीं बट आर्किटेक्चर काफ़ी सिमिलर है मॉस्क का। बट यार मेरे को मैं सही बता रहा हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था शिनजियान प्रोविंस को भी इतना ज़्यादा मॉडर्न और इतना ज़्यादा डेवलप्ड होने का। आप लोग फिलहाल देख सकते हो मेरे आसपास भाई पूरे बड़े बड़े इमारतें हैं, ऑफकोर्स मैं सेंटर में हूँ बट तभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इन्होंने बनाया है यहाँ पे, उससे आप समझ सकते हो कि यार चाइना ने बस एक या दो शहर में काम नहीं करा है, लिटरली चाइना ने हर शहर में काम करा है। चलो बोल सकते हो उरुमकी जो है वो कैपिटल है शिनजियान प्रोविंस का, तो शायद ये थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न हो सकता है। आने के टाइम पे हम शायद और भी छोटे छोटे शहर जाएंगे एंड वहाँ पे भी दिखाऊंगा कि जो माहौल है शिनजियान प्रोविंस का वो कैसा है। बट आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी इंप्रेसिव लगा यार मेरा फर्स्ट इंप्रेशन, आप लोग देख सकते हो जो फिलहाल मैं यहाँ पे एरिया में रुका हुआ हूँ। एंड जो ये थोड़े बहुत आर्किटेक्चर देखने को मिल रहे हैं, ये आर्किटेक्चर मैंने पूरे चाइना में कहीं नहीं देखा, पहली बार मैंने शिनजियान में भाई ऐसे जो ऐसे टूम्ब वाले आर्किटेक्चर होते हैं वो मैंने देखने को मिला। एंड ऐसा देखने को मिले भी क्यों ना भाई, ये शिनजियान द प्लेस वेयर द मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर मुस्लिम्स। अगर आप लोग शिनजियान में ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग को यहाँ पे मिलिट्री बसेस एंड पुलिस देखने नहीं मिले, क्योंकि यार ये शिनजियान जो प्रोविंस है ये सबसे ज़्यादा मिलिटराइज्ड जोन है चाइना का, जैसे मैंने सुना है। बट अगेन अभी तो हम शुरू कर रहे हैं ट्रैवल करना, देखते हैं आने की जर्नी कैसे होती है हमारी। शिनजियान की पॉपुलेशन के बारे में बता दूंगा, इससे कुछ अराउंड 25 मिलियन की पॉपुलेशन है पूरे प्रोविंस की। एंड अगर उरुमची की बात करो, उरुमकी की बात करो तो यहाँ पे कुछ अराउंड 4 मिलियन की पॉपुलेशन है। जो उरुमकी है वो कैपिटल भी है शिनजियान का, जितने भी गवर्नमेंटल और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं वो भी उरुमकी से ही होते हैं। शिनजियान के लोकेशन के बारे में बता दूंगा, तो अगेन अगर आप लोग चाइना के डेमोग्राफिक से वाकिफ हो तो आपको पता ही होगा, बट शिनजियान जो है वो वेस्टर्न चाइना में पड़ता है, जितना भी वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना है जो कि बॉर्डर होता है ताजिकिस्तान से, कजाकिस्तान से, थोड़ा बहुत हमारे कश्मीर और पाकिस्तान से, वो वाला जितना भी पार्ट है सारा जो है वो शिनजियान रीजन में आता है। जो उरुमकी है वो नॉर्दर्न शिनजियान में पड़ता है। एंड अगेन शिनजियान का नाम अगर आप लोग लो तो यहाँ पे उइगर लोगों की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न, जो शिनजियान प्रोविंस है उसका जो नाम है पूरा नाम शिनजियान उइगर ऑटोनोमस रीजन, ये इसका पूरा नाम है पूरा प्रोविंस का, क्योंकि वह शिनजियान में मेजोरिटी जो कम्युनिटी है वो उइगर लोगों की ही है, जो कि जो यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी होती है चाइना में। इसलिए वह यहाँ पे एक मॉस्क भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऐसे नॉर्मली मॉस्क आई थिंक इसके पहले तिब्बत में देखा था, एंड तिब्बत को छोड़ के अभी फिलहाल अगेन मैं यहाँ पे शिनजियान में देख रहा हूँ। बट तिब्बत में जो देखा था वो आई थिंक था ह्यू मॉस्क, वहाँ पे ह्यू कम्युनिटी के मुस्लिम रहते थे, बट यहाँ पे शिनजियान में जो यूगर्स लोग कम्युनिटी है उनकी कम्युनिटी देखने को मिलेगी आप लोगों को। एक इंटरेस्टिंग देख सकते हो गाइस आप लोग, यहाँ पे जितने भी शॉप्स है वहाँ पे चाइनीज़ में लिखी है, ऊपर भाई आपको अरेबिक में भी देखने को मिल रही है लिखी हुई। एंड ये आप लोग को पूरे शिनजियान प्रोविंस में देखने को मिलेगा। एंड जब से मैं यहाँ पे ट्रेन में लैंड किया हूँ, मुझे भाई हर जो बिल बोर्ड है बिल बोर्ड के ऊपर भी, एंड यहाँ पे फॉर एग्जांपल को ट्रैफिक का जो जितने भी साइंस वगैरह है हर जगह भाई आप लोग को चाइनीज़ में लिखा है, चाइनीज़ के साथ साथ ऊपर छोटे में अरेबिक में भी लिखा हुआ है, काफ़ी सिमिलर जो मैंने आप लोग को इसके पहले तिब्बत में दिखाया था जहाँ पर चाइनीज़ एंड तिब्बत में लिखा था, बट यहाँ पे चाइनीज एंड आपको अरेबिक में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो एक चीज़ जो मैंने गलत बोली है मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि ये जो मैं लोकल भाषा के बारे में बता रहा हूँ वो अरेबिक नहीं, वो यूगर का ही लोकल भाषा है। एंड क्योंकि वो जो अरेबिक एंड इनका जो भाषा इतना सिमिलर देखने को लगता था, मैं कन्फ्यूज़ हो गया था एंड मेरे को कोई लोकल मिला नहीं था अभी तक जो मुझे बता सके कि ये अरेबिक नहीं है इनका लोकल भाषा है, तो ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। एंड ये मैंने इतनी बार बताया है कि इसको मैं शायद कट भी नहीं कर पाऊँगा, तो इसका आप लोग ध्यान रखना, जो मैं लोकल भाषा बोल रहा हूँ ये अरेबिक में नहीं है, इन्हीं का लोकल लैंग्वेज है जो कि उइगर भाषा है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान यहाँ पर थोड़ी बहुत लोकल से बातचीत हो रही है यार, ये शायद इंडिया गए हैं ऐसे बोल रहे हैं।
नीस नाल रन ने जदो रन शपुरन शन का क्या कह रहे हैं देखते हैं वेयर आर फ्रॉम डू यू नो इफ यू नो द ओके ये पूछ रहे हैं क्या मैं इनको जानता हूं कि नहीं नो 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 आई डोंट नो हिंद हिंद ओके ओके खाना खाएगा यार भाई काफी इंटरेस्टिंग है यार यहाँ पे थोड़े बहुत लोकल्स मिल गए थे इनसे बातचीत हुई हमारी एंड यहाँ पे दिक्कत ये है कि यार लैंग्वेज नहीं आती ट्रांसलेटर के थ्रू बातचीत होती है उतना बढ़िया मजा नहीं आता ट्रांसलेटर तभी भी थोड़ी बहुत जो कॉन्वर्सेशन हो जाती है ये देख लो भाई यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे अगेन उरुम की भाई थोड़े बहुत आई थिंक ये मीट का शॉप है एंड यहाँ पे भाई ये सारे इनके भाई घर वगैरह एंड यहाँ के अगर आप लोगों के फेशियल जो स्ट्रक्चर है वो भी देखो तो काफ़ी डिफरेंट मिलेगा आपको रेस्ट ऑफ चाइना से। यहाँ पे लोगों के आँख जो है थोड़े बड़े लगेंगे आपको थोड़ा बहुत आपको रशियन एंड कजाक का मिक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे छोटी सी मार्केट लगी हुई है यहाँ पे सारे लोग फल बेच रहे हैं यहाँ पे यार प्रोमोग्रेंट बेच रहे हैं यहाँ के अनार देख लो कितने बड़े निहाओ यहाँ का अनार देख लो कितने बड़े एंड कितने लाल है यार इतने लाल अनार तो मैंने कहीं नहीं देखे मुझे अफगानिस्तान का याद आ रहा है इसको देखकर अनार 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 यू अंडरस्टैंड हिंदू अनार हिंदी उइगुर अनार ओ तो ये कहते हैं उइगुर की भाषा में भी अनार कहते हैं। तो भाई यहाँ पे भाई हम लोग ने ये एक अनार का जूस लिया है इतना सरप्राइज हो गया यहाँ पे उइगुर की भाषा में भी अनार बोलते हैं इसको तो मुझे भाई लगा था शायद वो मुझे देख के हिंदी में बोल रहे हैं बट ये देख लो भाई अनार का जूस 10 युआन लिया इसके लिए 10 युआन को 100 रुपये का कबाब बेच रहे हैं यहाँ पे ओ भाई साहब ये तो पूरा माहौल है यार अलग ही माहौल है यार यहाँ पे मस्त यहाँ पे बैठ के भाई लोग यार चाय वगैरह के साथ मस्त एंजॉय कर रहे हैं खाना यार ये ब्रेड भाई यहाँ पे ब्रेड ओके हाउ मच 8 युआन ओके 8 युआन का एक ब्रेड बोल रहे हैं 80 रुपये का भाई उइगुर ब्रेड ओके शिनजियांग गुड कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है भाई बट काफी मजा आ रहा है गुड भाई तो मैंने इसके बारे में काफी सुना था शिनजियांग के खाने के बारे में यहाँ पे जैसे मैं आया यहाँ पे जो कबाब की खुशबू है वो खुशबू से यार मैं अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाया मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ खा ही लेते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये है भाई यहाँ पे शिनजियांग का काफी मशहूर खाना ये इसको कहते हैं लगमान तो ये भाई अपन ट्राई करते हैं उसके साथ इन्होंने चाय दिया है एंड जो कि मुझे काफ़ी सिमिलर था मुझे जो सेंट्रल एशिया वाली वाइब है वो देखने को मिल रही है थोड़ी बहुत मुझे मिडिल ईस्टर्न वाली भी वाइब देखने को मिल रही है अगर मैं यहाँ पे इनका तरीका बताऊँ खाने का या फिर परोसने का ऐसा भाई माहौल तो मैंने चाइना में इसके बारे कहीं नहीं देखा यार ऐसा मैं नॉर्मली भाई जो सेंट्रल एशिया वगैरह में ही आपको ऐसा माहौल देखने को मिल जाता है कि बाहर भाई लिटरली बैठ कर टेबल में खा रहे हैं मैंने इसके बारे चाइना में ऐसा कहीं माहौल नहीं देखा सही बता रहा हूँ भाई हमको एक कटोरी दे दिया इसमें भाई अपन चाय डालते हैं और ये भाई साहब देख लो भाई माहौल है भाई साहब देव यार मैं चाइना में ट्रैवल कर रहा हूँ अभी यहाँ पे थोड़े बहुत लोग देख लो भाई इतने डिफरेंट किस्म के लोग हैं ना यार ये एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा भाई इनको देख के यार सेंट्रल एशिया की याद आ रही है सही बता रहा हूँ एंड मुझे विश्वास नहीं होता गाइस यहाँ पे इतना डिफरेंट कल्चर है यार एंड यार चाइना में मैंने इस बार यार तिब्बत ट्रैवल कर लिया तिब्बत ट्रैवल करने के बाद इतना ज़्यादा मैं आश्चर्यचकित हो रहा था यार कि वहाँ पे इतना डिफरेंट लोग इतना डिफरेंट किस्म के यार कल्चर देखने को मिलता है एंड अगेन जब यहाँ पे फिलहाल हम लोग शिनजियांग आ गए वहाँ पे अगेन इतना डिफरेंट कल्चर यार एंड क्योंकि गाइस उइगुर मुस्लिम कल्चर अलग है एंड क्योंकि चाइना बीइंग ए कम्युनिस्ट वो सभी को भाई अपना एक कल्चर फॉलो करने का भाई यहाँ सिस्टम होता है एंड सबको भाई एक ही भाई मतलब भले ही कितने ही डिफरेंट कल्चर्स के आप हो जाओ आपको सभी को एक कल्चर फॉलो करना पड़ेगा एंड दैट इज़ द मेन रीज़न वाई देयर इज सो मच इशू विद उइगुर्स व्हेन दे आर इन द मेनलैंड चाइना। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बिल्डिंग देख लो गाइस आप लोग काफ़ी कल्चरल किस्म का बिल्डिंग है काफ़ी पुराने भी लग रहा है ये लग रही है ऑथेंटिक शिनजियांग की भाई बिल्डिंग बाकी का तो गाइस पूरे सेम ही है जो आपको चाइना में देखने को मिल जाती है यार बिल्डिंग कितना ज़्यादा पुराना देखने को लग रहा है एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ शिनजियांग आर्किटेक्चर मेरे हिसाब से एंड यहाँ पे थोड़े बहुत ही लोग दुकान वगैरह चला रहे हैं यहाँ पे जूते की दुकान लग रही है हाँ जी यहाँ पे जूते की दुकान है एंड यहाँ पे अगेन कुछ तो सोविनियर्स की दुकान लग रही है आई थिंक मेरे को नहीं आई थिंक बर्तन की दुकान है यार पुरानी दुकान है नहीं हाँ मुझे तो समझ नहीं आएगा कुछ बट अगेन यहाँ पे आई थिंक
यार सही बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे लोगों को इंग्लिश आती ना यार, तो इतना मज़ा आता ट्रैवल करने में। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम ट्रैवलिंग इन चाइना गाइस, क्योंकि यहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग लोग देखने को मिल जाते हैं, बट यार उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाती क्योंकि यार उनको इंग्लिश आती नहीं है। बट अगेन यार ये बिल्डिंग देखो, इतना सुंदर बिल्डिंग है यार ये। एंड अगेन आई कांट बिलीव कि मैं चाइना में ये देख रहा हूँ यार। अरे भाई यहाँ पे इनकी शादी हो रही है शायद यार, ये देख सकते हो यार। आई थिंक ये ब्राइड है, मुझे लग रहा है ब्राइड एंड ग्रूम। काफ़ी इंटरेस्टिंग यार, पता नहीं मुझे शादी हो रही है या फिर क्या हो रही है। तो इस तरफ जो आप जितने भी बिल्डिंग देख रहे हो, ऐसे बिल्डिंग आपको पूरे चाइना में भाई ऐसी मिलेंगे देखने को, पूरे चाइना में सेम देखने को मिलेंगी, सिमिलर सी बिल्डिंग। बट इस तरफ आपको भाई ऐसी बिल्डिंग जो कि बस आपको शिनजियान में ही देखने को मिलेगी। ये देख लो भाई, ये यहाँ पे आई थिंक बसेस हैं शिनजियान की, जो काफ़ी डिफरेंट है यार। पहली बात तो ये इलेक्ट्रिक नहीं है, पूरे रेस्ट ऑफ चाइना में इलेक्ट्रिक बसेस देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पे यार मैं भी सरप्राइज हूँ यार, यहाँ पे पेट्रोल की बसेस चल रही है यार। एक चीज़ है गाइस, भले ही ये मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेटेड प्लेस है यहाँ पे, क्योंकि यार कम्युनिस्ट चाइना में हम लोग यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे, भले ही अगर कोई मुस्लिम्स प्रे भी करता है तो यहाँ पे अगेन आप लोगों को अजान की आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग काफ़ी फैसिनेटिंग सी चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि यार नॉर्मली अगर आप मुस्लिम एरिया में हो तो आपको अजान की जो आवाज़ है वो काफ़ी कॉमन होती है, बट अगर आप चाइना में हो तो आपको कभी भी अजान की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। अगेन देखो यहाँ पे अगेन और एक मॉस्क देखने को मिल रहा है गाइस, जो कि मुझे पता नहीं बंद लग रही है मेरे को ये मॉस्क, अभी तो कोई आई थिंक खुला है नहीं। अंदर एक चाइनीज झंडा देखने को मिल रहा है। वाह, यहाँ पे एक मार्केट में आए गए हम लोग, यहाँ पे कपड़ों की मार्केट है शायद, यहाँ पे इतने में लोग शायद शॉपिंग करने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी यहाँ पे जो उरुमकी का भाई जो ग्रैंड बाजार है, ग्रैंड बाजार की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जो कि कहते हैं लोग की दिस साइड ओके। एंड यहाँ पे अगेन आप लोग को यार काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री लोग देखने को मिल रहे हैं, जो कि अगेन आई थिंक शिनजियान के लिए बताऊं तो काफ़ी कॉमन है, जिसके बारे में मैंने इसके पहले पढ़ा था कि यहाँ पे काफ़ी आपको मिलिट्री के लोग देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे चेकिंग वगैरह हो रही है यहाँ पे अगेन। पहले मुझे चीज़ें जो है समझ नहीं आ रही थी, बट जैसे जैसे मैंने तिब्बत और शिनजियान है वो ट्रैवल किया, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे सिक्योरिटी है और स्पेशली ये जो मेटल डिटेक्टर्स वाले मशीन है वो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिले। पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद ये नॉर्मल होगा, बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने इतने सिक्योरिटी तो कभी हान चाइना में एक्सपीरियंस नहीं करा। एंड छोटे से छोटे मार्केट से लेके कहीं पर भी जहाँ पे क्राउड गैदर हो रही हो वहाँ पे सिक्योरिटी मैंने हरदम टाइट ही देखी है। तो ये भाई यहाँ पे भाई ग्रैंड बाजार उरुमकी का, जहाँ पे आप लोग को यहाँ पे थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स देखने को मिल रहे हैं, थोड़े बहुत यहाँ पे कपड़े भी देखने को मिल रहे हैं, आई थिंक काफ़ी गर्म गर्म कपड़े। नहीं हाँ यार मुझे पता नहीं है शिनजियान की लोकल भाषा में कैसे बोलते हैं हेलो। मैंने इसके पहले जब मैं टैक्सी में आ रहा था, जब मैं रेलवे स्टेशन से आ रहा था, मैंने उसको पूछा कि यार यहाँ पे लोकली आप लोग क्या भाषा बोलते हो, जैसे उसको पूछा उसने बोला चाइनीज़। यार ऐसे बोल दिया मैंने, बोला यार पता नहीं ये ऑफेंड तो नहीं हो गया यार इसको मैं भाषा के बारे में पूछ रहा हूँ, फिर शायद यहाँ पे कोई और भाषा के बारे में शायद बात कर नहीं सकते होंगे, पता नहीं यार मुझे एक्चुअली पता नहीं। बट ये भाई यहाँ पे माहौल यार ग्रैंड बाजार का, हिंदुस्तान भाई यहाँ पे से बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा रेस्टोरेंट मिल गया, ये आई थिंक पुलाव है, यहाँ पे पुलाव भी काफ़ी मशहूर है यहाँ पे शिनजियान में। एंड ये यहाँ पे मैं इतना सरप्राइज हो रहा हूँ, पूरे चाइना में मैंने हरदम लोगों को बोला इंदू तो लोग इंदू बोलने समझते, यहाँ पे लोग हिंदुस्तान ये बोल रहे हैं, लोग हिंदुस्तान बोलने से यहाँ पे समझ रहे हैं कि आप इंडिया से हो। यार यहाँ पे देख सकते थोड़े बहुत लोग हो यार, वाह कितना डिफरेंट लोग हैं यार जो भी मैंने अभी तक चाइना में ट्रैवल किया है। एंड ये भाई बाजार का माहौल सही बता रहा हूँ गाइस। उरुमकी आने के बाद मुझे अगेन वही चीज़ याद आ रही है जो मैंने लास्ट टाइम काफ़ी बार बताया था मैंने आप लोगों को मेरे चाइना टूर में। आप जब चाइना में ट्रैवल करते हो आपको ट्रैवल करने से पहले लगेगा यार ये तो काफ़ी ज़्यादा रिमोट प्लेस में जा रहे हो, शायद यहाँ पे टूरिज्म होगा ही नहीं, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट होगा ही नहीं, वहाँ पे शायद आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। बट वहाँ पे जब जाओगे तो आपको समझ में आएगा कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज चाइना में होता है प्लेसेस सिटीज़ जो टूरिस्टी प्लेसेस होती है वो, एंड नॉर्मली सिटीज़ भी काफ़ी ऑर्गेनाइज होती है। और जब मैं उरुमकी आया था मैंने लिटरली ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उरुमकी के मार्केट इतने बढ़िया होंगे, इतने ऑर्गेनाइज होंगे, एंड सब कुछ इतना बढ़िया तरीके से यार सब कुछ मैनेज किया जाएगा। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे यार शिनजियान में देख रहा हूँ, मुझे मॉस तो काफ़ी देखने को मिल रहा है यहाँ पे, फिलहाल एक मॉस देख सकते हो आप लोग, मॉस तो काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, बट यार मॉस के अंदर मैं कहीं पर जा नहीं पा रहा, एंड ना ही मैं लोगों को देख रहा हूँ कि वो मॉस के अंदर जा रहे हैं, जो कि अगेन मुझे पता नहीं ये क्योंकि शिनजियान है इसीलिए, क्योंकि ये चाइना में है इसीलिए, मुझे पता नहीं यार। ना तो मुझे यहाँ पे कोई लोग देखने को मिल रहा है जो अंदर जा रहे हैं प्रे वगैरह करने के लिए, ना ही मुझे कोई एंट्रेंस देखने को मिल रहा है जहाँ से भाई अंदर में मॉस्क के अंदर जाके आप लोगों को अंदर का माहौल दिखा सकूँ। यहाँ पे फिलहाल थोड़े बहुत आर्किटेक्चर एंड भाई मस्जिद वगैरह थे, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मस्जिद देखने को मिल रहा है, बट इसके अंदर जाने का मुझे काफ़ी मन था, बट यार अगेन
मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर जा सकते हैं यार। ये मुझे समझ नहीं आया अभी, शायद कोई लोकल अगर मिलेगा तो पूछता हूँ उसको मैं कि यार क्यों ऐसा है, यहाँ मॉस्क के अंदर किसको जाने का मतलब परमिशन नहीं है। लोकल्स भी नहीं जा पा रहे, लोकल्स भी नहीं जाते हो, देखने दिख रहे हैं मेरे को। इधर का भाई नहीं पता कैसा माहौल होगा, बट ये भाई यहाँ से फिलहाल व्यू भाई। भाई अगेन लोकल एक स्टॉल में आए थे भाई हम लोग, एंड यहाँ पे भाई अगेन देख सकते हो जितने भी ट्रेडिशनल उइगर कम्युनिटी लोगों के कैप्स होते हैं वो भाई यहाँ पे बेच रहे हैं। एंड यहाँ पे एक लड़की थी, इन्होंने यार हमको एक कैप दिया ये वाला, कह रही थी कि यार ट्राई करके देख लो, फोटोज वगैरह लेना है तो। एंड देख लो इतने सुंदर सुंदर कैप्स यार यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे दीज आर ऑल उइगर कैप। तो ये भाई देख सकते हो सारा भाई यहाँ पे कल्चरल चीज़ें भाई, कितना सुंदर है यार ये। लिटरली मुझे ये सारे देख के मुझे ताजिकिस्तान की याद आ रहा है, जब मैं पम्मी ट्रैवल किया था वहाँ का भी काफ़ी सिमिलर कैप्स होते थे ऐसे। एंड भाई ये सारी चीज़ें देख के यार आप लोग अगेन समझ सकते हो कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है शिनजियांग की जो सेंट्रल एशिया का जितना भी कल्चर है, क्योंकि ऐसे सिमिलर आपको चीज़ें काफ़ी आप लोगों को यार ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान में देखने को मिलते हैं। अगेन आप लोग को शिनजियांग में भी यार ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, यहाँ का जितने भी ये आप लोग देख लो यार, जितने भी इनके बर्तन वगैरह है इनका भी भाई आप लोग बनाने का तरीका देख लो, काफ़ी सिमिलर है जो मैंने आप लोगों को सेंट्रल एशिया ट्रैवल करते टाइम दिखाया था। ये इनके कपड़े देख सकते हो यार ऐसे, ये एक्चुअली यार उइगुर लोगों के कपड़े हैं जो कि ऑफ कोर्स आज के टाइम पर तो बहुत ही कम लोग पहनते हुए देखने को मिलते हैं, बट अगेन जो रियल कल्चर है वो भाई ये है यहाँ पे। एंड भाई यहाँ पे थोड़े बहुत मिलिट्री के भाई अगेन वैन वगैरह देखने को मिल रही है, काफ़ी ऐसा भाई इतना बड़ा वैन तो मैंने कहीं नहीं देखा यहाँ पे यार पूरे चाइना में, बट अगेन ये शिनजियांग है गाइस। एंड ये था हमारा ये मार्केट। मैंने सुना था कि यहाँ पे पीपल्स पार्क में काफ़ी बढ़िया एक परफॉर्मेंस होता है लोगों का शाम का टाइम पे, एंड यहाँ पे फिलहाल देख सकते हो सारे जितने भी लोकल लोग हैं सारे डांस कर रहे हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ कल्चर है भी यहाँ पे, पार्क में लोग नॉर्मली डांस करते हैं, बट यहाँ पे जो गाना वगैरह देख रहे हो आप लोग ये काफ़ी लोकल गाना देखने को लग रहा है उइगर कल्चर का। ये देख सकते हो भाई सारे लोग, भाई साहब माहौल है यार शिनजियांग भाई, माहौल है कितना बढ़िया, गाना लगा है यहाँ पे। भाई मुझे पता नहीं है शिनजियांग का गाना है या फिर ये टर्की गाना है भाई, माहौल देख लो यार। भाई साहब शिनजियांग अलग ही माहौल है यार, सही बता रहा हूँ। सारे लोग यार मस्त डांस कर रहे हैं।